नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मंकीज वाला सवाल है वर्मा जी को मंकीज बहुत पसंद है इट्स लुक्स लाइक क्वेश्चन इज द मंकी बी एज शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप द मासेज ऑफ द मंकीज ए एंड बी आर फाइव एंड टू के जी रेस्पेक्टिवली इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ थर्टी न्यूटन इन इट्स टेल सवाल है वॉट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट और जी की वैल्यू टेन ले सकते हैं ऐसा हमें कहा गया है नाव इस केस में आ, मंकी ना बना के काम करते हैं दो ब्लॉक बनाते हैं सो so, ये आपका ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक ठीक है इसका मास एम वन इसका मास एम टू इसका मास फाइव के जी दिया हुआ है इसका मास आपको टू के जी दिया हुआ है यहाँ पे अगेन सिनेरियो ये है कि ये आपके दो मंकी हैं आ, ऐसे 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 करके चल रहा है आ, ये और इस मंकी की जो टेल है उसके ऊपर दूसरा मंकी ऐसे लटका हुआ है नॉट बैड ऑल सो दिस इज हावर सेकेंड मंकी इज़ तो उसी को हमने एम वन एम टू दो ब्लॉक ऐसे बना लिए नाव इसका अगर एफ बी डी बनाएंगे एम टू का सो एम टू का एफ बी डी जो बनेगा सो so वो आएगा ये आपका एम टू नीचे एम टू जी और ऊपर आपकी यहाँ पर टेंशन इसको टी वन कह देते हैं ये आपका टी टू कह देते हैं ऊपर आपकी टेंशन टी टू है और लेटेट से ये दोनों मंकीज ए एक्सोलेशन से ऊपर जा रहे हैं So, पूरा से पूरा सिस्टम ये एक्सोलेशन से ऊपर जा रहा है सो so, इस केस में हमें मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे आ, टी वन आपकी महसूस होएगी और यहाँ पे टी टू की आपकी मैक्सिमम लिमिट अपने को दे रखी है आ, जो कि थर्टी न्यूटन है सो so, टी टू मैक्सीम जो अपने लिए पॉसिबल है जो टेल उसकी आ, वो कर सकती है एक्ज या जो टॉलरेट कर सकती है दैट इज़ थर्टी न्यूटन सो नाउ इस केस में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे सो so, इक्वेशन हो जाएगी टी टू माइनस एम टू जी विल बी इक्वल टू Uh, ये आपका आ गया एम टू ए विच एम्प्लाइज टी टू विल बी इक्वल टू एम टू जी प्लस ए ना टी टू की अपने को मैक्सिमम वैल्यू थर्टी दे रखी है सो दिस विल बी इक्वल टू थर्टी एम टू जो मास है वो अपने को टू के जी दे रखा है और ये हो गया जी टेन प्लस ए तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड uh, करके 15 माइनस करेंगे सो so आपका ए मैक्सिमम जो आया वो हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलेशन जिससे ये पूरा सिस्टम ऊपर जा सकता है और आपका टी uh, टू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में ना अगर आपका एक्सेलेशन जो है मंकी ए और बी का जो एक्सेशन वो अगर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उस केस में टी की वैल्यू क्या आती है उसके लिए हम uh, M1 का एफ बना लेते हैं सो so ये आपका M1 है उसका जब आप एफ बनाएंगे सो नीचे आपका फोर्स लग रहा है एम वन जी प्लस टी टू और ऊपर आपका फोर्स लग रहा है टी वन और ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलेशन से ऊपर जा रहा है सो so इस केस में जो आपका टी वन है टी वन माइनस एम वन जी माइनस टी टू विल बी इक्वल टू एम वन ए ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज आपका टी वन जो है वो आ जाएगा एम वन जी प्लस एम वन ए प्लस टी टू Uh, इसमें डेटा रख देंगे तो एम वन को दिया हुआ है फ़ाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन एम वन आपका फ़ाइव एक्सेलेशन आपका फाइव आया प्लस टी टू थर्टी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है सो विच एम्प्लाइज़ आपका टी वन है वो आ जाएगा ये बना आपका फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी हाँ सो ये बन गया थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव तो आपकी टी वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई एक सौ पाँच न्यूटन तो ये आपकी T1 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जिससे आपका T2 मैक्सिमम और ये एक्सलेशन मैक्सिमम आ रहा हो ना इसकी मिनिमम वैल्यू तब पॉसिबल है जब आपका एक्सलेशन जीरो है फॉर uh, T1 वन एंड टी मिनिमम आपका दोनों का मिनिमम वैल्यू है ए मिनिमम होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू आपका ज़ीरो क्योंकि हमें क्लाइंब अप ही करना है सो ए मिनिमम की वैल्यू ज़ीरो तो अब इस केस में धीरे 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 चल के वो ऊपर जा रहे हैं इफ़ दैट इज़ द केस इस इक्वेशन में ये आपका ए जीरो हो जाएगा विच एम्प्लाइज आपकी जो टेंशन टी टू है आ, उसकी वैल्यू हो जाएगी एम टू जी एम uh, टू का इसकी वैल्यू हो जाएगी एम टू जी सो एम टू की वैल्यू है टू मल्टीप्लाइड बाय टेन तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन सो टी टू की वैल्यू आपकी ट्वेंटी न्यूटन आ गई ना इस इक्वेशन में आपकी यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू जीरो टी टू की ये वैल्यू रख दें सो so आपका टी वन जो है वो आ जाएगा एम वन जी यानी कि आपका फाइव मल्टीप्लाइड बाय टेन इसका एम वन जी प्लस एम वन ए टू नहीं फाइव मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो प्लस टी टू विच इज़ ट्वेंटी सो टी वन की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो होगी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी विच इज़ सेवेंटी न्यूटन सो और कुछ हो ना हो अगर ये धीरे 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 भी गए तो इन दोनों का मिला के जो एम जी है वो जो है आपका फाइव प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय जी सो विच इज़ सेवेंटी न्यूटन है वो उतना फोर्स तो आपका मिनिमम यहाँ पर टी वन होगा ही और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है सो so, आपका फोर्स जो होना चाहिए अगर आपकी पूछ टूट के अलग ना हो जाए मैक्सिमम वो झटका या मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी वो मेंटेन कर सके, सो फोर्स शुड बी बिटवीन 70 एंड वन वन न्यूटन